वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लिस्ट। तो गाइस आज की वीडियो लोग बात करेंगे वीवो के Y75 फोन में एयरड्रॉप शटिंग गाइस कैसे ऑन करके अपने फोन में कैसे यूज करेंगे। गाइस अगर आप भी अपने वीवो के Y75 फोन में एयरड्रॉप शटिंग को ऑन करके यूज करना चाहते हैं, मैं आपसे प्रॉपर पूरी शटिंग करके आपको बताएंगे और यहाँ से आप बिल्कुल शटिंग के जरिए अपने फोन में एयरड्रॉप शटिंग को यहाँ से ऑन करके गाइस यहाँ से यूज कर सकते हैं। और कैसे क्या चीज है, कैसे यूज करना, कैसे अपने फोन में इसको अप्लाई करेंगे एयरड्रॉप को, मैं ऐसे पूरी प्रॉपर आपको शटिंग बताएंगे। अगर आप अपने फोन में एयरड्रॉप को अप्लाई करेंगे गाइस आपका जो होम स्क्रीन का स्टाइल है यहाँ से गाइस चेंज हो जाएगा। गाइस तो वीडियो को स्किप ना करना एंड गाइस अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए आपको साइड में हमारा फोन मिल जाएगा और आपको देखिए एयरड्रॉप शटिंग को ऑन करने से सबसे पहले आपको अपने फोन की शटिंग में चले जाना है। तो हम लेके चलते हैं आपको अपने फोन की शटिंग में। यहाँ देखिए गाइस हम आ चुके हैं सेटिंग में अपने फोन के और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का ऑप्शन, यहाँ पर गाइस आपको क्लिक कर देना है। और एक्चुअली यहाँ पर जब गाइस आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पांच ऑप्शन देखने को मिलेगा, थीम वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन सेटिंग, होम स्क्रीन सेटिंग, सैंपल मोड। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लॉक स्क्रीन सेटिंग पर गाइस क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आप क्लिक करेंगे आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन पोस्टर, लॉक स्क्रीन स्टाइल और चेंज लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। तो गाइस यहाँ पे कोई भी आपको एयरड्रॉप की सेटिंग नहीं दिख रही होगी। हम यहाँ से गाइस बैक आते हैं, आपको मिलेगा होम सेटिंग का ऑप्शन, होम सेटिंग पर गाइस क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, होम स्क्रीन ऐप आइकन और यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन साइज मिलेगा आपको, ऐड आइकन टू होम स्क्रीन। और यहाँ भी गाइस आपको एयरड्रॉप का सेटिंग नहीं मिलेगा क्योंकि गाइस आपके फोन में एयरड्रॉप की सेटिंग है ही नहीं। आपको जो यूट्यूब पे गाइस वीडियो मिलती है गाइस काफी फेक वीडियो मिलती है, तो हम ऐसे आपको बता रहे हैं कैसे आप अपने फोन में एयरड्रॉप को यूज करेंगे। यहाँ से गाइस आपको बैक आ जाना है, ठीक है, बैक आ गए आपके फोन में तो आपको पता होगा एयरड्रॉप की सेटिंग नहीं है। अगर आप अपने फोन में एयरड्रॉप कर सकते हो कि ऑलरेडी पहले से आपके फोन में एयरड्रॉप की सेटिंग ऑन है तो यहाँ पे कोई भी ऑन ऑफ करने की सेटिंग नहीं है। आप नया फोन परचेस करेंगे गाइस आपके फोन में एयरड्रॉप सेटिंग यहाँ से हमेशा के लिए अनअवेलेबल रहता है। जैसे देखिए हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो गाइस इसी को बोलते हैं एयरड्रॉप। इसी को अगर आप अपने फोन में अप्लाई करना चाहोगे गाइस अप्लाई नहीं होगा, जो कि आप फोन अगर न्यू परचेस करते हो गाइस आपके फोन में ऑलरेडी ए एयरड्रॉप ऑटोमेटिक पहले से अप्लाई रहेगा आपके फोन में। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ साइड से भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं एंड नीचे से आप स्वाइप करेंगे तो गाइस यहाँ भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो गाइस बिल्कुल आप इस सेटिंग के जरिए इससे बड़ी जाए बिल्कुल अपने वीवो के Y75 फोन में एयरड्रॉप सेटिंग को यहाँ से ऑन करके गाइस यहाँ से यूज कर सकते हैं। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।